हाँ जी गाइस, क्या हाल है आप सभी के। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं अभिषेक के साथ वर्कआउट करने जा रहा हूँ। मैं अभी 2 मिनट हुए हैं, जस्ट होटल आया, सामान रखा है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्रेन बिकॉज अभिषेक के साथ बहुत टाइम से बातचीत चल रही है बट कभी हमने साथ में वर्कआउट नहीं किया है। और वो एक बहुत ही प्रोफेशनल बंदा है, आपने उसको फॉलो किया होगा ऑब्वियसली, फिटनेस इंडस्ट्री में काफ़ी नाम कमाया है एंड उसके साथ साथ उसका फील्ड बिल्कुल अलग है मेरे से। मैं सिर्फ पावर लिफ्टिंग मैक्सिमम किया है, उसने प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग करी है, स्टेज किया है, प्रेप किया है, तो उससे बहुत सारी चीज़ें उस फील्ड की सीखने मिलेगी। आज मोस्टली हम एक बॉडी बिल्डिंग वर्कआउट करेंगे, प्लान नहीं है अभी तक बट क्योंकि मैं अभी एक कॉम्पिटिशन खेल के आ रहा हूँ तो मैं नहीं चाहूँगा स्क्वाट बेंच डेडलिफ्ट अभी कुछ हैवी करना, बॉडी को थोड़ा रेस्ट, क्योंकि अभी मेरी बैक में भी इंजरी थी तो थोड़ा रेस्ट देना ज़रूरी है। एक हफ्ता 10 दिन उतना हैवी लिफ्टिंग नहीं करूँगा। सो वेरी एक्साइटेड, कांट टेल यू, बहुत टाइम से सोचा था, तो करते हैं, चलते हैं। अभी वो पिक करने आने वाला है, जिम यहाँ से पास में ही है, सो मिलते हैं जब वो आएगा। अपन सुबह से घर से निकले हुए हैं और अभी शोल्डर करेंगे, तो देखो थोड़ा एक रेपो कैरी करके जाता हूँ मैं जिम, तो आई ट्राई, कुछ तो ट्राई करेंगे ना। तो लेट्स सी, अगर 50 के डंबल हुए, 50 के डंबल, तो शोल्डर प्रेस करेंगे स्टार्टिंग यहीं से। तो 50 केजी पे 10, 12, पता नहीं अभी स्ट्रेंथ कितनी है उस पर, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, ऐसा कुछ करा नहीं है, डंबल्स वगैरह प्रेप में नहीं कर रहा था मैं, इंजरी के लिए ऐसा डर था। तो देखते हैं, आज ट्राई कर सकते हैं। 50 केजी उतने हार्ड भी नहीं है मेरे लिए अब, तो मे बी 10 रेप्स प्लस ही आएंगे। अच्छा गाइज, मैं एक सप्लीमेंट हमेशा साथ में कैरी करता हूँ। अभी देख लो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ बट फिर भी ये सप्लीमेंट मेरे साथ है, वो है क्रिएटीन मसल ब्लेस का क्री एम्प क्रिएटीन मोनोहाइड्रेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है मेरे लिए, मेरे लिए नंबर वन सप्लीमेंट है। मैं शायद प्रोटीन भूल जाऊं बट इसे नहीं भूलूंगा, क्योंकि हर एक एथलीट जो भी जिम कर रहा है, अगर आप मसल गेन चेज कर रहे हैं, स्ट्रेंथ चेज कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो मैं डेफिनेटली हर किसी को रिकमेंड करूंगा, या फिर आप किसी स्पोर्ट्स में भी है ये काम करेगा। एंड ये मेरे को लगता है दिस इज दी ओनली सप्लीमेंट जिसका रिजल्ट आप 12-15 दिन में अपनी बॉडी में देखने लगोगे। एंड उसके साथ एक क्वेश्चन बहुत आता है कि कटिंग के टाइम पे क्रिएटिन छोड़ देना चाहिए। मैं 6 महीने पहले, याद करो कैसा था, 106 किलो का, आज मैं 93 केजी का हूं। मैंने इतना की वेट कट कर लिया है बट मैंने क्रिएटिन कभी नहीं छोड़ा। तो क्रिएटिन कोई आपको मोटा नहीं कर देता, आपकी बॉडी में बहुत वाटर होल्ड नहीं करता, थोड़ा बहुत वाटर होल्ड करता है एंड वो कोई फैट नहीं होता। तो आप बल्किंग कटिंग हर टाइम यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड मसल ब्लेस की बहुत अच्छी बात है कि अब फ्लेवर क्रिएटिन आने लगे हैं, क्रिएटिन टेस्टी होने लगा है, तो सिट्रस ब्लास्ट फ्लेवर है और भी फ्लेवर है। तो डू चेक दिस आउट, प्योरेस्ट फॉर्म। यहाँ पे आपको ट्रस्टीफाइड का सील मिल जाता है, दिस ट्रस्टीफाइड का यहाँ पे सील है, तो मैं तो 100% रिकमेंड करूंगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और कितना लेना चाहिए, 5 to 6-7 ग्राम्स। थोड़ा अगर जैसे मैं हैवी बंदा हूँ, बहुत ज्यादा मसल मास है और मेरे को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ से ही फर्क पड़ता है, पावर लिफ्टिंग कर रहा हूँ, तो मैं 6-7 ग्राम तक, 8 ग्राम तक जा सकता हूँ। बट आप नॉर्मल जिम जाते हो, नॉर्मल ट्रेनिंग करते हो, 5 ग्राम इनफ है। मेरा कूपन कोड, डिस्काउंट कोड मसल ब्लेस पे है, SINGA30, वो आप लगा सकते हो एक अच्छे डिस्काउंट के लिए मसल ब्लेस के वेबसाइट से। अच्छा, जिम जाने से पहले पानी मंगा लिया। कभी भी आप ट्रेनिंग करने जाते हो, ये एक टिप ले लो, कभी भी आप जिम निकलने वाले हो घर से, एटलीस्ट 0.5 लीटर या 1 लीटर के आसपास पानी पी के निकलो, बहुत ज्यादा हेल्प होती है, बहुत ज्यादा मदद होती है। ये चीज मैंने अभी करी है, बहुत हेल्प होती है। 1 लीटर पानी जिम जाने से पहले आप पी के जाओ। कैसा था कंपटीशन? भाई की कंपनी है, लाए लाए बर्फी लाए, इतना ह्यूज हो गया है। 2 साल बाद मिल रहे हैं ना, आपको लगे क्या फिटनेस इन्फ्लुएंसर पैसा कमा पा रहे हैं, तो आप गाड़ी देखो, बट नुकसान हो गया, किसी ने स्क्रैच मार दी। आ चुके हैं जिम और भाई के पास प्री नहीं है बट भाई के पास गेटोरेड है, और स्पॉन्सर्ड एथलीट होने के बाद भी प्री नहीं है, प्री बना ही नहीं रहा फील। तो आज हम क्या ट्रेन करने वाले? वैसे भी हमने डिसाइड किया था कि शोल्डर तो था, अब उसके बाद ट्राइसेप्स लेना है, आर्म्स लेना है, बाइसेप्स लेना है, क्या लेना है? बाइसेप्स करते हैं। बाइसेप्स मैं लगाता ही नहीं, पता है? बाइसेप्स करते हैं, अब लगा लेते हैं भाई, इतना कम लगा रहा हूँ मैं, मैंने लास्ट लगाया था 7-8 महीने पहले लगाया। बाइसेप्स क्यों भाई, कोई बॉडी बिल्डर बाइसेप्स क्यों नहीं ट्रेन कर? ओवर हो चुका है और ट्राइसेप्स कम हो चुका है, ऐसा भी है। अच्छा, मतलब आर्म्स की उतनी जरूरत नहीं है? पूरा करता ही नहीं मैं। अच्छा, ओवर पावर है। अच्छा,
तो लगा लेंगे आज। कभी कोई पता है इस चक्कर में कोई रील नहीं आती आर्म्स की ना कोई वीडियो। हाँ मैं देखता हूँ आर्म्स की नहीं आती, आएगी कहाँ से, करते ही नहीं हम। अभी बहुत ज्यादा हैवी लग रहा है, फोर आर्म लगाना पड़ेगा। फोर आर्म बराबर है, देखते हैं इस बार भी एमएचओ ओलंपिया भी खेलूंगा मैं कैसे जाता है नवंबर में। पहले लेकिन एक और कंपटीशन सीक्रेट चुपचाप खेल के आ जाऊंगा। महीने का कितना खर्चा आ जाता है क्योंकि मेरा मतलब उतना ज़्यादा नहीं, मेरा उतना ज़्यादा नहीं आता क्योंकि मैं हमेशा इंटरेस्टेड हूँ जानने को, क्योंकि मेरा बहुत नॉर्मल मतलब मेरे को लगता है सप्लीमेंट देख फ्री के हैं, सप्लीमेंट्स फ्री के हैं, तो उसके बाद खाने का 15,000 12-15 ये होगा। नॉर्मल में उतना खाता नहीं ना, मतलब 3,000 3,200 3,300 10 अंडे लोग बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग बहुत एक्सपेंसिव है, बॉडी बिल्डिंग तो वैसे क्योंकि क्योंकि कोई स्पेसिफिक फिश खानी पड़ती है, कोई स्पेसिफिक ऐसा बता दूं, मेरा ऐसा नहीं है। बॉडी बिल्डिंग ऐसा है इसमें जितना घी डालो उतना कम, तुम इसमें तुम व्हाइट फिश डालो, सैल्मन खा लो या तो तुम नॉर्मल बासा खा लो, सबका बजट है। फिश खानी है कोई बासा खाता है, जिसके पास बजट ज़्यादा है वो सैल्मन खा लेता है। अब वही है जितना तुम इसमें लगा सकते हो उतना लगाओ। बहुत लोग सैलेड खा लेते हैं, जैसे खीरा वीरा खा लेते हैं लोग, खा रहे हैं एस्पेरिगस कहीं अलग चल रहे हैं। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just... What are you looking at? Are you asking who you are? You're thinking. Dude, I'm not... I don't want to show you, girl, actually, right? Okay, okay. Right? Privacy too. Yeah, when will the breakup happen? Then they'll say, where are you? Yeah. Who are you? प्लेट्स रखवा रखी हैं, क्या बात है, मोम ने रखवा रखी है, मोम में गिफ्ट करती है घर पे बड़ी भी। चैलेंज का वेट 170 है भाई। आपने किस कभी भी इसको डेडलिफ्ट करते हुए नहीं देखा, किस कभी डेडलिफ्ट करी है? डेडलिफ्ट पहले मार पीआर क्या है, पीआर नहीं है मेरा, जब भी मोम में कॉम्पिटिशन हो रहा था एक डाली थी नेशनल हो रहा था उसमें मारा था मैंने 270 मारा उस तो मारी थी। हाँ ऐसी स्ट्रॉन्ग है तो मैं करता ही नहीं हूँ तो लिफ्टिंग। मैं हमेशा कहता हूँ जिसके पास मसल होगा ना वो स्ट्रॉन्ग होगा ही। पहले गेम लिफ्टिंग ना आ जाते क्योंकि ओल्ड स्कूल में तो हमारा वही था पेंटर हो गई। अभी रैंक फुल मार रहा हूँ मैं, डेडलिफ्ट नहीं लगा, डेडलिफ्ट का तो काम नहीं है, मेरे को काम नहीं है। बॉडी बिल्डिंग को कोई काम नहीं है। अच्छा एक बात बता, ये कॉमेंट्स अगर नेगेटिव वगैरह आते तो अफेक्ट होता है? नहीं नहीं पहले होता था, अब तो आदत सी हो गई है, मेरे को इतने नहीं आते वो जैसे आते हैं, बट ठीक है। मैं तो बहुत एक्सट्रीम फेस कर रखा है, लाइक आई हैव फेस्ड एक्सट्रीम। एक टाइम पे तुम कह सकते हो कि मेरे को इंस्टाग्राम खोलने भी मन नहीं करता होगा, ऐसा अफेक्ट तो करता है बट स्ट्रॉन्ग बनाता है, उनको स्ट्रॉन्ग ही बना देता है, तुम्हें फर्क पड़ना ही बंद हो जाता है, तुम सोचते हो कि मतलब बट मुझे रिप्लाई भी देता है कमेंटों पे। ये पाउंड्स में है ना, ये सारे पाउंड्स में है ना, LBS में है ना। तो पहले 35 kg से करते हैं वॉर्म, 35 फिर 45 का एक सेट, फिर 50 या 55 जो भी। 55 किलोस का बता रहे हैं, LBS का बता रहा है? ये मैं किलोस का बता रहा हूँ, मेरे को किलो की आदत है ना। ऐसे क्या क्या किलोस के? 35
वार्म अप सेट 45 एक वर्किंग सेट, फिर देखता हूँ अगर 45 सही गया 6-7 रैप 8 रैप तो 50 या 50 प्लस। कटिंग वाला क्या करेगा? मैं 40 तक रहूँ। हाँ 40 जितना हो पाएगा उतना ही करेंगे अभी तो। हाँ हाँ पर नहीं, एक दो रैप तो मारने में मज़ा भी नहीं आएगा इसमें, शोल्डर प्रेस है, कम से कम 8 तो आने चाहिए ऐसा सेट हो। आप1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलो आराम से वाटे वाटे मारू पाव लिफ्ट सर उठा दो इजी चल सेल्फ है 3 4 5 6 7 8 9 लास्ट वन मोर जान है बीवी। हाँ बेल्ट और शूज बस ये चाहिए। जूते तो पहने हुए थे, दो बेल्ट थे, दोनों लेके घूम रहा था। मतलब मैं स्क्वाट में अलग यूज़ करता हूँ, डेडलिफ्ट में अलग। अच्छा डेडलिफ्ट में थोड़ी पतली, ये नहीं आएगी मेरे में। डेडलिफ्ट में मैं थोड़ी पतली बेल्ट यूज़ करता हूँ। ये मतलब स्क्वाट के लिए तो मैं अपनी बेल्ट यूज़ करता हूँ। अच्छा हाँ वो 13 mm है। डेडलिफ्ट के लिए मैं 10 mm यूज़ करता हूँ। ये 13 है आ जाएगी। हाँ ये 13 mm है। मतलब डेडलिफ्ट में एक पतली बेल्ट ज़्यादा थोड़ी हेल्पफुल होती है। बहुत मोटी बेल्ट होती है ना तो हाँ सांस ही नहीं जाती और नीचे जाने में दिक्कत होती है। थोड़ा पीछे हो जाओ गाइस। हाँ जाओ। लेट्स गो। ठीक है इजी है ये। ला ला नहीं हो जाएगा। चल इंजरी नहीं करनी है, चल कंट्रोल यहाँ से पकड़ लो। दो बहुत भारी है यार ये सिक्का हुआ ना तो मेरा क्या। यार शोल्डर में भारी मारना ना सच में मुश्किल काम है। हाँ थोड़ा देखना पड़ता है भाई कि पीछे ना चला जाए। कंट्रोल आपको देख के लग रहा है ये 60 किलो डंबल उठाएंगे। ना लगे तो पकड़ लेना ठीक है। ये है ना यही पीछे आ जाओ। छोड़ दो। कुछ तो लगा। पहली बार ये हो गया ना इतना। कितना ये43-44 kg
तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। बहुत बढ़िया। अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, पेन बॉडी ठंडी होती है। तो अभी वर्क लेकिन मेरा रैप पता कैसे रहता है, ऐसे स्लो स्लो है ना। अभी वर्कआउट स्प्लिट क्या है? वर्कआउट स्लिट ब्रो स्लिट ही है, पर थोड़ा डिफरेंट करा हुआ है मैंने। स्प्लिट में अलग ही स्प्लिट में आएगा मेरा, क्योंकि मैं आर्म्स लगाता ही नहीं। हाँ हाँ, बैक दो बार लगाता हूँ, शोल्डर एक बार। तो ऐसे कोई स्टार्ट कर रहा है उसके लिए क्या बढ़िया रहेगा? मेरे हिसाब से तो सिंगल बॉडी पार्ट है ना बेस्ट। मुझे भी लगता है, मैंने वैसे ही करके बढ़ा है। मुझे भी लगता है 6-8 महीने 1 साल ब्रो स्प्लिट ही करना चाहिए। नहीं, मैंने जैसे स्टार्टिंग में करता था ना, तो मैं एक डबल बॉडी पार्ट करता था ना, तो एक होता था एक नहीं होता था, तो एक पे फोकस करो, उसको ही अच्छे से करो। और उस टाइम पे रिकवरी भी नहीं होती थी। स्टार्टिंग में बिगिनर बंदी की एबिलिटी नहीं है कि वो दो मसल अच्छे से ट्रेन कर पाए, नेचुरली तुम्हारा रिकवरी भी नहीं होगा। हाँ, तो सिंगल सिंगल करो और कम करो। मेरे को तो लगता है स्टार्टिंग में बस 4 एक्सरसाइज करो अच्छे से, 5 एक्सरसाइज बहुत। 4 से 5 और 1-2 एप्स के। हाँ बस, मैं एप्स तो लगाता ही था, हफ्ते में 4 बार लगाता हूँ। एप्स ट्रेन नहीं किए कभी, अभी मतलब अभी किए थोड़े बहुत, तो आपको फ़र्क दिख सकता है एप्स में, उस लेवल के डेवलपमेंट नहीं है। नहीं, ये है ना, इसमें मसल ही नहीं है। हाँ, मसल डेवलप नहीं है। हाँ, फैट भी कट करेगा ना मसल। हाँ, वो अरे मैं कितना भी लीन हो जाऊँ ना, नहीं दिखेगा, वो बस ऐसे लाइन ही आती है। जब तक जैसे मेरा अभी फैट है बहुत, तो अभी भी दिख जाएगा। वही इतनी बड़ी बड़ी एप्स दिख रही है, देख अभी भी दिख जाएगी। वही वही वही, ये ट्रेन करने से होता है। तो भाई एप्स ट्रेन करो, वेटेड वेटेड, अगर आपको कुछ सीखना है वेटेड वेटेड। हाँ, वेट लगा के, मैं वेटेड लगाया बल्क में, प्लेट पकड़ के, उससे बहुत ज़्यादा। आपको कुछ सीखना है मेरी गलती से तो मेरी गलती ट्रेन करो। हाँ ऑब्वियसली गलती है। हाँ लगा, बहुत बढ़िया, मस्त मस्त सेपरेशन दिख रहा है भाई। चलो चलो बढ़िया, थोड़ा दर्द हो गया। 12 रैप लगाने, 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ फील करना है, 10 दौर बढ़िया, एक होल्ड, होल्ड आराम से, स्लो 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 स्लो। हाँ आया आया, निकल रहा है बाहर शोल्डर। भाई मेरी एक और एडवाइस है कि ऐसे पावर लिफ्टर है तो भी बॉडी बिल्डर जैसे वर्कआउट करो, क्योंकि देखो इसके ये पावर लिफ्टिंग करता भी नहीं है, स्क्वाट बेंच डेडलिफ्ट, बट फिर भी ये स्ट्रांग होगा है ना। डेडलिफ्ट 270-280, डंबल प्रेस अभी आपके सामने इसने 55 किया है, तो बॉडी रहेगी तो बंदा अगर 3 महीने भी पावर लिफ्टिंग करेगा ना, उसमें जान दिखने लगेगी। लोग बोलते हैं ना भाई बॉडी बिल्डर में जान नहीं होती। नहीं नहीं, इतना वेट कैसे उठेगा फिर? आई डोंट एग्री यार, क्रिस बम्स्टेड कितनी डेडलिफ्ट मारता है, बहुत मारता ऑफ सीजन में, उसको पसंद है हैवी लिफ्ट करना। स्क्वाट करता है वो कितनी हैवी, लेकिन वो सारी चीजें कंट्रोल्ड करता है। हाँ वो रैप्स करता है, कभी भी 1 रैप मैक्स नहीं देखा मैंने करते हुए। नहीं, वही सबसे ज्यादा टफ है क्लासिक की, क्लासिक की ना। हाँ, क्योंकि वो तो प्योर आर्ट है, वो डांस है लिटरली। इसमें भी तुम कर सकते थे, जब मेंस फिजिक हो गया, जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ, ये स्टेज है, ऐसे आए, ये सब आर्ट है, ऐसे फ्लेक्स किया, ट्राइसेप पैर आगे रख इस पे। हाँ, इसको ना एल्बो ओपन लगाते हैं ना, जैसे वाला लगाते हैं हम रोप वाला, रोप फेस पे लगाते हैं ना, वैसे ही करना है। थोड़ा आगे तक ले जा। हाँ अब ले गया। हाँ वो हो रहा है फील कुछ। हाँ हाँ
ट्राई करिए एल्बो ऊपर रहने का, हाँ बढ़िया आगे तक, हाँ थोड़ा और स्ट्रेच कर आगे तक आराम से, ला बढ़िया, चल फोर मोर, फोर थ्री टू बढ़िया वाला लास्ट वन, नाइस यार बहुत बढ़िया, नाइस नाइस, चल थ्री मोर खींच खींच, हाँ लास्ट टू, चल एक और, हाँ बहुत बढ़िया आया पंप, ये देखो फोर आर्म लगा भी नहीं रहे, फोर आर्म पंप कर रहे जा क्या कुछ तो पंप हो रहा है, ये वही हो गया जैसे मेरा होता है ना, बैक लगाता हूँ चेस्ट लगाता हूँ बाइसेप्स पंप हो जाता है, इसलिए नहीं लगा यार, सच में आर्म्स बढ़िया यार, नहीं लगाता ही नहीं इसलिए बाइसेप्स, वो यार थोड़ा सा ना तेरे बॉडी से भी बड़ा लग रहा है आर्म्स, मतलब बॉडी के हिसाब से, और सिर्फ आर्म की फोटो लेना तो लगेगा कि अरे कोई 115 120 केजी का बंदे का आर्म है, आना पोज करता है वैसा ही ट्राइसेप्स, ये समझा आ रहा है ये, चलो अब नेक्स्ट चेस्ट, बॉडी बिल्डिंग मेरे को भी नहीं आता पहले बताओ ये वाला डियोन, डियोन से सीख के आया हूँ दो चार पोज, उसकी पोजिंग अच्छी है, हाँ ये तो बढ़िया लगा रहा, तो लगाता रहता है, तो पीछे जा रहा है, रोक रोक छोड़ पूरा पोज, ऐसे है ये, ऐसे गोल घुमा के ऐसे आया पकड़ा फिर ये, देख मेरा ये सीधा है चेस्ट वेस्ट, हाँ अब ठीक लग रहा है, ऐसे ले जाए ऐसे ऐसे की धक्का देते हुए, हाँ पूरा ऊपर तक, अब पूरा नीचे 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 नीचे, अब ओपन अप, हाँ अब खुली है, अब खुली है, तेरा कैमरामैन तेरी बॉडी में खो जाता है वो देखते देखते वो शूट करना भूल जाता है, शपट बढ़िया फील फील, तेरा शॉर्ट हेड अच्छा है ना, हाँ लॉन्ग हेड नहीं है, हाँ बेज से, मेरा लॉन्ग हेड बढ़िया है शॉर्ट हेड है ही नहीं, हाँ देखो ठीक है, लॉन्ग मेरा लॉन्ग हेड है शॉर्ट हेड है, गाइस तो ये थी आज की वीडियो, हमने आर्म्स भी ट्रेन करा लास्ट में, बहुत ही ज्यादा मजा आया और बहुत कुछ सीखने मिला, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव सीखने मिला, एक बॉडी बिल्डर की ट्रेनिंग समझ में आई, और मैं हमेशा अभी भी आपको यही कहूंगा कि भले पावर लिफ्टिंग हो, मैंने लेटली रियलाइज करा है कि हमें भी एज अ बॉडी बिल्डर ट्रेन करना चाहिए, और एज स्क्वाट बेंच डेडलिफ्ट नहीं बाकी चीजें, और मसल मास जितना हो सके उतना बनाना चाहिए, और इतना फैट भी पुट ऑन नहीं करना चाहिए, तो मेरा हमेशा से गोल था कि मैं लीन रह के, मतलब इतना रहूं कि बॉडी अच्छी दिखे और उसके साथ मैं पावर लिफ्टिंग करूं, तो लोगों को एक वो पर्सपेक्टिव मिले कि हाँ यार पावर लिफ्टिंग का मतलब ये नहीं होता, अभी तक एक मीम बनता था कि पावर लिफ्टर तो ऐसे फैट से होते हैं ये वो, एंड मेरे को वो हटानी थी, तो कुछ हद तक मैं कर पाया हूं कि भाई आप सही बॉडी होके भी 300 किलो डेड लिफ्ट कर सकते हो, 280-270 किलो स्क्वाट कर सकते हो, सो धीरे धीरे वो चीज़ें चेंज होंगी, मैं मतलब मुझे सबसे ज़्यादा लोग देख रहे हैं पावर लिफ्टिंग में, तो मैं वो चीज़ करूँगा तो बहुत लोगों को समझ में आएगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, सब्सक्राइब दी चैनल, लाइक करके जाना और एक अच्छा कमेंट कर देना, और एक Q&A वीडियो शूट करा है अभिषेक के साथ, तो वो आपको अगले 4-5 दिन में मिल जाएगी, थैंक यू सो मच।